सो हेलो गाइस यार, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना एक बहुत बढ़िया सा स्कोरबोर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं अपने एड्रेनो सर्वो में। एंड बहुत इजी ट्यूटोरियल मैं बताने वाला हूँ, तो तुरंत आपका वो जो है वो सेट हो जाएगा आपका स्कोरबोर्ड। तो उसके लिए आपको प्लगइन्स पे जाना पड़ेगा, एंड प्लगइन्स पे मैं जो प्लगइन बोल रहा हूँ वो सब ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पहले ये वाला प्लगइन ऐड करना है जो मेन स्कोरबोर्ड का प्लगइन है, जिसका नाम है रियल स्कोर बोर्ड। एक मिनट, बोर्ड, रियल स्कोर बोर्ड, और ये वाला प्लगइन है। इसमें से अपना लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेना है, एंड देन आपको इंस्टॉल करना है प्लेस होल्डर एपीआई, प्लेस होल्डर एपीआई ये वाला ऐड कर लेना है। एंड देन उसके बाद प्लेस होल्डर एपीआई ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है, उस प्लगइन का नाम है एंड गाइस देन एसेंशियल्स एक ऐड करना है, एसेंशियल ये लिखना है, एंड देन ये वाला एसेंट नहीं नहीं सॉरी ये वाला एसेंशियल एक्स, एसेंशियल्स एक्स, इट्स इज द प्लगइन सूटेड फॉर माइनक्राफ्ट सर्वर, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ना जिसमें, ये वाला। देन आप लोग को एंड देन गाइज आपको वॉल्ट ऐड कर लेना है, वॉल्ट वॉल्ट ये वाला, और अगर ये नहीं तो ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला मत ऐड करना, ये वाला 1.16 के लिए। तो आप लोग ऐड करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला वॉल्ट, बिल्कुल सही सही प्लगइन ऐड करना है। एंड देन मैं आगे का स्टेप्स बताता हूँ आपको क्या करना है। एंड गाइज ये सब प्लगइन ऐड करने के बाद ना अपने सर्वर को एक बार रीसेट रीस्टार्ट मार लेना, रीस्टार्ट करने से वो प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है। तो गाइज यार उसके बाद अपना सर्वर ज्वाइन कर लेना जो भी है वो सर्वर। एंड ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पर दिखेगा स्पेशल परमिशन बोर्ड, तो इसे अभी कुछ नहीं करना है, बस ये स्पेशल परमिशन बोर्ड अभी दिखेगा। इसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो गाइस जरा आगे का स्टेप्स ये है कि आपको सीधे एक फाइल दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ये फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, एंड ये स्कोर बोर्ड मैंने ही बनाया है बढ़िया से, तो इसे डाउनलोड कर लेना। ये रहा, इसको डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ पर रहेगा। एंड इसे डाउनलोड करके इसे फिर इधर से ना कुछ नहीं, बस इधर से लेकर के इसको नीचे तक कंट्रोल प्लस सी दबा के कॉपी कर लेना है। एंड देन वहाँ क्रोम पे जाके इसको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं नहीं फाइल्स, ऑप्शंस नहीं फाइल्स, फाइल्स में जाना है, एंड देन प्लगइन्स में जाना है, एंड देन एसेंड नहीं नहीं सॉरी सॉरी क्या नाम है उस प्लगइन का, रियल स्कोरबोर्ड में जाना है, कॉन्फिग में जाना है, एंड इसको इधर से लेकर के नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वी दबा देना है। तो ये हमारा कॉपी होकर के ये वाला पेस्ट हो जाएगा, एंड इसमें मैंने जो है वो बना रखा है। एंड देन गाइज अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद भी काम करना है कुछ, तो इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोग को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग को अपने माइनक्राफ्ट में जाना है, एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग को अपना वो वाला सर्वर ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पर ना पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को लिखना है स्लैश रियल स्कोर बोर्ड रीलोड, तो आपको ये आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन अभी भी यहाँ पर काम नहीं खत्म हुआ, आप लोग का ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ मेरा आ रहा है क्योंकि मेरा वो प्लेस होल्डर डाउनलोडेड है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश पी ए पी आई ई क्लाउड डाउनलोड प्लेयर, पहले ये करना है, ठीक है, देन स्लैश पी आई, एक मिनट, स्लैश पी ए पी आई ई क्लाउड डाउनलोड डाउनलोड सर्वर, देन सर्वर के बाद आप लोग को यहाँ पर करना है
एक मिनट, ग्रेव प्रिवेंशन एंड ये प्लगइन आपके में होना चाहिए, एंड उसके बाद आप लोग को ऐड करना है वॉल्ट एंड आपका काम करने लगा, एंड उसके बाद स्लैश API रीलोड भी कर देना है। वेट, मेरा माइनक्राफ्ट फ्रीज हो गया। हाँ, रीलोड भी कर देना है, तो यहाँ पर ये सब रजिस्टर्ड हो जाएगा एंड देन आपको ये वर्क करने लगेगा साइड में जो स्कोर बोर्ड आ रहा है। एंड गाइस, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इससे कुछ सीखने को मिला हो, बट ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे, देन प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या 100 सब्सक्राइबर अगेन कम्प्लीट करना हमें। Yeah, thanks for watching and bye. Bye bye.